हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन बस देखा था। आज जो है हम अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली एक का प्रश्न जो है हल करने वाले हैं। हेलो, मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। स्टूडेंट ध्यान रखिए, आप यदि क्लास नाइन्थ या टेंथ के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, आपको सभी चैप्टर का प्रश्नावली वाइज जो है प्रश्न अभ्यास कराया जाएगा और आपको एक फिजिकल कोचिंग क्लास में जो सीखने को मिलता है वो सीखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली एक का प्रश्न। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेंद्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि बोला गया था अनुपात यानी कि तुलना वाला, तो यहां पर एक क्रिकेट मैच में जो है तीन बल्लेबाज की तुलना किया गया है। यहां पर एक बल्लेबाज है धीरेंद्र जो कि 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दूसरा है महेंद्र जो कि 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाते हैं और रविंद्र जो है 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? अब जैसे बोला गया था यहां पर कि जब हम तीनों में जो है तुलना करके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसमें सबसे अधिक रन किसने बनाए। लेकिन यहां पर एक चीज को और ध्यान देना है, धीरेंद्र के लिए जो है 25 बॉल मिला था उसको खेलने के लिए, महेंद्र को 20 गेंद और रविंद्र को 15 गेंद। यदि तीनों को जो है समान गेंद दिया जाता, ये भी 25 गेंद में खेलता, ये भी 25 गेंद में खेलता और ये भी 25 गेंद में खेलता, तो हमको उसको जो है कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होता, कितने कितने रन बने हैं देख करके हम बता देते। लेकिन यहां पर जो है तीनों के लिए अलग अलग दिया गया है तो हम करें क्या, तो पहले जो है हम इसको लिख लेते हैं अलग अलग। जैसे यहां पर बोला गया है धीरेंद्र, है ना, तो यहां हम लिख देंगे धीरेंद्र द्वारा बनाया गया रन कितना रन बनाया है धीरेंद्र जो है 19 रन, कितने गेंद में 25 गेंद में, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 19/25। भिन्न में आप पढ़ चुके हैं कि 19/25 का मतलब क्या होता है, 25 में 19 यानी कि 25 गेंद में जो है 19 रन बनाया है। अगला हम देखते हैं महेंद्र, तो महेंद्र द्वारा बनाया गया रन देख लेते हैं। महेंद्र द्वारा बनाया गया रन, तो ये कितना रन बनाया है 14 रन बनाया है, कितने गेंद में 20 गेंद में, तो ये हो जाएगा कितना 14/20। और ऐसे ही रविंद्र द्वारा जो है कितना रन बनाया गया, रविंद्र द्वारा, ये डैश का मतलब है बनाया गया रन, ये कितना बनाता है 9 रन बनाए हैं, कितने गेंद में 15 गेंद में, तो ये क्या हो जाएगा 9/15। अब यहां पर जो है भिन्न के आधार पर इतना तो हम समझ लिए कि 25 गेंद में 19 रन बना, 20 गेंद में 14 रन बना और 15 गेंद में 9 रन बना। लेकिन तीनों को समान गेंद जब तक नहीं मिलता तब तक हम बता नहीं सकते कि किसका रन अधिक हुआ। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये तीनों के हर में जो अलग अलग संख्या है उसको हम समान कर देते हैं। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 25, 20 और 15 इसका जो है लघुत्तम समापवर्तन लेना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्तन यानी कि LCM, तो 20 सॉरी यहां पर ये 25 है, 25, 20, 15 का लघुत्तम समापवर्तन कितना आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा इधर 25, 20, 15। सबसे पहले जो है छोटे अंक से हम इसको भाग देते हैं, जैसे कि 2 से देंगे, 25 2 से भाग जाता नहीं है तो वैसा ही उतार देते हैं। अब ये 20 जो है 2 से भाग जाएगा, 2 दहम 20, 15 भी भाग नहीं जाता वैसे ही नोट कर देते हैं। फिर 2 से 25 नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, 15 भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3, तो 3 से कोशिश करेंगे, 25 नहीं जाता, 5 नहीं जाता, 15 जाएगा, 3 पंचे 15।
अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 पंच 6 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और फिर लास्ट बच गया 5 एकम 5, और यहाँ पे दोनों में एक एक है उसको लिख देते हैं। अब ये जितने अंक हमको मिले हैं ये सभी का अगर गुणा कर दिया जाए तो वो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, लघुत्तम समाप वर्ग यानी कि एलसीएम कितना होगा, 5 पंच 6 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। अब ये कैसा पहाड़ा हुआ 150 गुणित 2, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दिया 12, ये तीनों का कितना हो गया 12, और ये दोनों का 5 पंच 6 25, तो हम 12 और 25 का गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका 25 गुणित 12, तो 12 पंच 6 60 का शून्य हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि हमको लघुत्तम कितना मिला 300 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों के हर को जो है समान करेंगे। अब तीनों के हर को समान कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं, तो यहां पर लिख देंगे 19/25 बराबर, ये जो हर में कितना दिया गया है 25 दिया गया है, उसको हम यहां पर क्या करने वाले हैं 300 करने वाले हैं। थोड़ा सा यहां पर मैं मिस्टेक कर गया, ये 300 के लिए जो हम दिए थे 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 किया 12, और ये 5 गुणित 5, ये जो है वास्तव में गुणा करने पर कितना आ रहा है 300, 2 दूनी 4 किया 12, 12 पंचे 60, 60 गुणित 5 करेंगे तो 300। अब यहां पर देखिए 25 से 300 को हमको भाग देना है। अब यहां पर मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बताने वाला हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो 25 से 300 को भाग देने का मतलब, ये 25 से 300 को भाग देने का मतलब, यहां पर हम 25 को क्या लिख सकते थे 5 गुणित 5, ठीक, ये 5 5, ये 5 5, ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसा, तो बचेगा कितना 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितना आता है 12। उस 12 का गुणा अंश 19 से हम कर देंगे, ठीक, एक बार ध्यान से सुनिए, 25 से भाग देंगे 300 को, तो आप डायरेक्ट आप भाग देना चाहे दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देंगे 25 एकम 25, बचेगा यहाँ 5, शून्य को उतारेंगे 25 दूनी 50, आ सकता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ा लंबा होता है, इसलिए मैं ये ट्रिक बता रहा था कि 300 को आप 25 से भाग देना चाहते हैं, यानी कि ये उसका जो गुणन खंड है उसको आप 25 से भाग दे रहे हैं, और 25 को गुणन खंड के रूप में क्या लिखते, 5 गुणित 5 लिखते, तो ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5 कट जाता, तो बचेगा क्या 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 आया, उस 12 का अंश में गुणा करेंगे 19 के साथ, तो ये हो जाता है आपका 19 गुणित 12। अब गुणा कर दीजिए, 19 दूनी 38 का 8, हासिल कितना 3, और 19 एकम 19 और 3 22, तो 228/ कितना हो गया 300 हो गया, ठीक। अगला वाला देखते हैं, 14/20, यहां पर है 14/20, इसके हर में भी हमको कितना करना है 300 करना है, तो 20 से 300 को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो यहां पर 300 को 20 से भाग देंगे, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 5, तो आपका ये एक ठो 5 कटेगा, ये 5 ये 5, 2 2 2 और 2, तो बचा क्या 5 दिया 15, कितना बचा 15, और उस 15 का गुणा किसके साथ कर देंगे, अंश 14 के साथ कर देंगे, तो ये हो गया 14 गुणित 15 बराबर, गुणा कर दो 15 चौक 60 का शून्य हासिल 6, और 15 एकम 15 और 6 21, 210/ कितना हो गया 300। लास्ट बच गया आपका 9/15 बराबर, इसके हर में भी कितना आना चाहिए 300, तो 15 से 300 को भाग देना आसान है, क्योंकि 15 दूनी 30 और 15 शून्य 0 यानी कि कितना आएगा 20, उस 20 का गुणा अंश 9 से कर देते हैं, तो ये आपका कितना बन जाने वाला है, गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाता है 9 दूनी 18 और 9 शून्य 0,
तो ये आ गया कितना हमारा 180 बटे 300। अब इसका क्या मतलब हुआ इसको देखते हैं। ये हर में जो भी था ये क्या था, गेंद की संख्या, और अंश में जो था वो क्या था, रन। तो जब सभी के हर का लघुत्तम लेकर के सबके हर को जब समान कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 300 गेंद में 228 रन, यहां पर 300 गेंद में 210 रन, और यहां पर 300 गेंद में 180 रन। अब प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए, तो अब देख लीजिए, अगर सभी को जो है 300 बॉल दिया जाता तो कितना कितना रन बनाते। तो यहां पर देख लीजिए किसका रन सबसे अधिक दिख रहा है, 228, 210 और 180 में, तो सबसे अधिक किसका है, ये 228 वाला। पर हमको ये 228 बटे 300 तो दिया नहीं गया था, ये कितना दिया गया था, 19 बटे 25। तो 19 बटे 25 में देखेंगे तो सबसे अधिक रन किसका है, धीरेन्द्र का है। तो यहां पर जो है हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि धीरेन्द्र सबसे अधिक रन बनाया। तो इस प्रकार से जो है हम अनुपात में जो है तुलना करके ये बता सकते हैं कि इनमें से सबसे अधिक रन किसने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ जीत लेता है, श्याम की गति कितनी थी। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर दिया गया है मीटर और यहां पर दिया गया है किलोमीटर। तो क्वेश्चन को हल करते समय इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया था कि तुलना जब किया जाता है तो जैसे ये भी दूरी है ये भी दूरी है, दोनों सेम चीज है, ठीक है, लेकिन दोनों का मात्रक भी सेम होना चाहिए। यहां पर मीटर दे दिया और यहां पर किलोमीटर दे दिया, तो इस कंडीशन में तो हम हल नहीं कर पाएंगे। या तो मीटर को आप किलोमीटर में बदल दीजिए या फिर किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो यहां पर जो है उसी पे हम लोग देखेंगे, और ये जो है चूंकि दूरी और गति यानी कि चाल पर आधारित है, तो इसके लिए एक सूत्र आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल, दूरी और समय तीनों में से अगर कोई दो चीज दिया है तो तीसरी चीज हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूरी पता है, समय पता है, तो चाल आ जाएगा। चाल पता है, समय पता है, तो दूरी मिल जाएगा। तो ऐसा जो है तीनों में से कोई दो राशि हमको पता होना चाहिए, तो तीसरी राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं, यहां पर 100 मीटर की जो है दौड़ है, मतलब दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर है। और यहां पर जो है दौड़ में कौन कौन भाग ले रहे हैं, एक तो दौड़ में भाग लिया राम और दूसरा क्या कौन भाग ले रहा है, श्याम। तो यहां पर राम जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़कर दौड़ को जीत लेता है, यानी कि राम जो है पूरा दौड़ को कंप्लीट करता है, यानी कि ये कितना दौड़ लगाता है, 100 मीटर। लेकिन जब दौड़ जीत लेता है उस समय जो है श्याम कितना पीछे रह जाता है, 5 मीटर पीछे रह जाता है, यानी कि यहां पर जो है श्याम कुल कितनी दूरी तय कर पाता है, 95 मीटर की दूरी ही तय कर पाता है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, राम पूरा 100 मीटर की दूरी तय किया और श्याम जो है 95 मीटर, क्योंकि जैसे ये 95 पे पहुंचा था राम जो है 100 में पहुंच करके दौड़ को जीत चुका था। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये 100 मीटर की दूरी तय करने में जितना समय ले रहा है, श्याम जो है 95 मीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लिया है। तो यहां पर जो है राम के लिए हम समय ज्ञात कर लेते हैं, जितना समय राम के लिए आएगा वही समय जो है श्याम के लिए भी हो जाएगा। तो यहां पर हम उसको कैसे लिखें, लिख लेते हैं राम द्वारा दौड़ में
लिया गया समय, मैं यहां समय को नीचे लिख रहा हूं, राम द्वारा दौड़ में लिया गया समय, इस सूत्र के आधार पर समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, समय इधर आ जाएगा चाल यहां चला जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब यहां पर राम के लिए जो है कितना दूरी है, 100 मीटर, तो यहां पर लिख देंगे 100 मीटर, और चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर मात्रक को लिखने की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन चूंकि यहां पर एक मीटर और एक किलोमीटर में दिया है, मीटर को हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम ये जो मात्रक है उसको हटा देने वाले हैं। तो यहां पर जो है ये 100 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, इसके लिए बहुत जबरदस्त एक ट्रिक बता देता हूं आपको कि एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अक्सर ये सोचने में जो है मन लगा रहता है कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलें या किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलें। तो अगर आपको कहीं पर इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है तो आप इसको जो है अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यदि आपको मीटर में चाहिए, तो अगर आपको मीटर में चाहिए तो ये 1000 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर आ गया। ध्यान देंगे हमको क्या चाहिए, इसमें जो है 1 किलोमीटर बराबर दिया गया है 1000 मीटर। अगर यहां पर जो है मीटर को देखें तो ये क्या हो जाता है, 1/1000 किलोमीटर। ठीक, यहां पर क्या बच गया, एक, क्या बच गया, एक, तो ये जो है आपका 1 मीटर बराबर कितना आया, 1/1000 किलोमीटर। बोलने में थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, आपको मीटर में दिया गया है और किलोमीटर में चाहिए, तो देखिए यहां पर 1000 का क्या हो गया, भाग हो गया। सीधा सीधा मैं अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा अंक लेके बताऊं तो अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं 2 किलोमीटर लिए हैं, तो 2 किलोमीटर का क्या होगा, 2000 मीटर होगा। तो सीधा सीधा अगर आपको किलोमीटर चाहिए 1 किलोमीटर, तो ये 2 उधर पक्षांतर हो जाता है ऐसा, और यदि आपको चाहिए 1 मीटर, तो ये जो 2000 है इधर पक्षांतर हो जाता है, 2/2000 किलोमीटर। तो यहां पर हमको तो इसकी आवश्यकता था, ये हमको मीटर में दिया गया है, बदलना किस में है, किलोमीटर में, तो 1000 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर जो है इसको हम भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा आपका 100/1000 किलोमीटर, और बटे में कितना है 12, तो 12 को हम 12/1 लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, केवल घंटा यहां पर बचेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/1000, और ये भाग है उसको गुणा कर देंगे तो ये पलट जाएगा, 12/1 का क्या हो जाएगा, 1/12, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, यहां पर बच गया कितना घंटा, 0020, यहां पे भी 20, तो कितना बचेगा, 1/10 × 12 यानी कि 120। तो यहां पर जो है राम द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, 1/120 घंटा। यही समय श्याम को 95 मीटर की दूरी तय करने में लगेगा। अब यही समय जो है उसको 95 मीटर की दूरी तय करने में लग रहा है, तो श्याम की गति पूछा है, गति मतलब चाल, तो यहां पर लिख देंगे, अतः
श्याम की गति, कोष्टक में लिख देता हूं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना 95 मीटर और समय कितना लग रहा है 1/120 घंटा। अब यहां पर मीटर को किलोमीटर में बदलिए, जैसे अभी बताया गया था 1000 से भाग दे दो क्या बन जाएगा किलोमीटर, और यहां पर है 1/120 घंटा। ठीक, अब यहां पर जो है क्वेश्चन की और आवश्यकता नहीं है, मैं मिटा देता हूं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 95/1000 और ये गुण भाग का गुणा करेंगे तो ये 1/120 का हो जाएगा 120/1। यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो कैंसिल। अब उसके बाद और क्या, 5 से कटा देंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 0, 5 × 1 = 5, 4 = 45, तो 5 × 45 और कुछ भाग जा सकता है। ये हो जाएगा 2 × 10 और ये 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो ये 19 × 3, तो 19 × 3 = 57 और यहाँ पर 5, और ये किलोमीटर और ये घंटा है तो इसको लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है 57 को 5 से भाग दे दीजिए, तो ये 5 से 5 को भाग दोगे 5 × 5, फिर 5 से 7 को भाग दोगे 5 × 5, बचा कितना 2, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे वो 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 20। तो इस प्रकार से 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है क्या हो जाएगा श्याम की गति हो जाएगा। आप लास्ट में आंसर में लिख लेना, अतः श्याम की गति 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। चूंकि क्वेश्चन काफी बड़ा बड़ा था इसलिए जो है इस वीडियो में हम और ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।